हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेजबान और आप देख रहे हैं एबी प्रोडक्शन टीवी। नाज़रीन कराम, आप लोगों ने टाइटैनिक के बारे में तो सुना होगा। ये एक बहुत बड़ा और एक्सपेंसिव क्रूज शिप था। आज मैं आपको ऐसे ही बिगेस्ट और एक्सपेंसिव शिप्स के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। क्वीन मैरी 2। दोस्तों, इसका नाम क्वीन एलिजाबेथ के नाम पर रखा गया था। इसको क्यू एम 2 के नाम से भी जाना जाता है। इसको 21 मार्च 2003 में बनाया गया था और ये आज दुनिया में चलने वाला एक बहुत बड़ा क्रूज शिप है जिसमें सफर करने की हर एक की ख्वाहिश होगी। ये एक रॉयल शिप है, यहाँ आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये सच में बहुत कमाल है। इसकी प्राइस $890 मिलियन है। डिज्नी ड्रीम। दोस्तों, इस शिप को डिज्नी क्रूज लाइन ऑपरेट करते हैं। ये तकरीबन 217 फीट तक लंबा है। इसके अंदर तकरीबन 2500 अफराद ट्रेवल कर सकते हैं। इस शिप के अंदर दुनिया जहान की हर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये भी एक रॉयल शिप है और इसके एक्सपेंस सिर्फ कोई रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। इस शिप को 2011 में लॉन्च किया गया था और इसकी प्राइस तकरीबन $900 मिलियन है। क्वांटम ऑफ द सी। दोस्तों, ये शिप डिज्नी ड्रीम से बहुत बड़ा है। इसकी हाइट 1150 फीट है और इस शिप के अंदर तकरीबन 5500 अफराद सफर कर सकते हैं। इस शिप को 9 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था। इस शिप के अंदर आप रॉयल जिंदगी का एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार और रॉयल शिप है जो बहुत ही शानदार नजर आती है। इसकी प्राइस $935 मिलियन है। डिज्नी फैंटेसी। दोस्तों, ये शिप डिज्नी ड्रीम से बहुत सिमिलर है और इसमें तकरीबन 4000 लोग सफर कर सकते हैं। ये एक रॉयल और एलिगेंट शिप है। इस शिप के अंदर भी आपको हर एक चीज मिल जाएगी जो लग्जरी लाइफ के लिए जरूरी हो। इस शिप को 10 जनवरी 2012 में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत $940 मिलियन है। एंथम ऑफ द सीज। दोस्तों, इस शिप की लंबाई 1141 फीट है। इसके अंदर तकरीबन 5500 लोग सफर कर सकते हैं और इस शानदार और रॉयल शिप के मजे उठा सकते हैं। ये शिप बहुत ही ज्यादा मजेदार है और इसमें भी आपको हर फैसिलिटी मिल जाएगी। इसको 21 फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया था और इसकी प्राइस $940 मिलियन है। दोस्तों, अगर यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ओवेशन ऑफ द सी। दोस्तों, इस शिप ने अपनी बनावट से बहुत से शिप्स को पीछे कर दिया है। ये एक बहुत शानदार और रॉयल शिप है। इस शिप के अंदर 5400 लोग आराम से सफर कर सकते हैं। ये शिप अपने आप में ही एक बेहतरीन मिसाल है। इसको 18 फरवरी 2016 में लॉन्च किया गया था और इसकी प्राइस तकरीबन $1 बिलियन है। नॉर्वेजियन एपिक। दोस्तों, ये शिप अपने नाम की तरह ही एपिक है। दोस्तों, इस शिप की सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर एक्वा पार्ट्स हैं। दोस्तों, पानी के ऊपर पानी में ही एंजॉय करना क्या कमाल होगा, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। इस शिप में तकरीबन 4000 लोग ट्रेवल कर सकते हैं। इसको 24 जून 2010 में लॉन्च किया गया था और इसकी प्राइस तकरीबन $1200 मिलियन है, यानी $1.2 बिलियन। हारमोनी ऑफ द सी। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी शिप है जिसमें तकरीबन 8000 लोग आसानी से सफर कर सकते हैं। ये तकरीबन 2,30,000 टन से भी ज्यादा भारी है। ये एक बहुत ही रॉयल और बेहतरीन शिप है जिसे देखकर किसी भी इंसान की ख्वाहिश होगी कि वो इसमें सफर करे। इस सबसे लंबी स्लाइड वाली शिप को 19 जून 2015 में लॉन्च किया गया था और इसकी प्राइस तकरीबन $1350 मिलियन थी। ऑसिस ऑफ द सी। दोस्तों, ये एक लग्जरी शिप है और इसमें बहुत न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत ही रॉयल और एक्सपेंसिव शिप में से एक है। इस शिप को 21 नवंबर 2008 में लॉन्च किया गया था और इसकी प्राइस तकरीबन $1400 मिलियन है। एलियर ऑफ द सी। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा शिप है और इसके अंदर दुनिया की हर सहूलत मौजूद है और ये अपने पैसेंजर्स के लिए बहुत ही रिलायबल है। दोस्तों, इस शिप में तकरीबन 9000 से 10000 लोगों तक सफर कर सकते हैं। इसके अंदर 1500 सीट्स वाला एक थिएटर भी मौजूद है जहां आप फिल्म्स वगैरह भी एंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत ही कमाल है। इसको 20 नवंबर 2009 में लॉन्च किया गया था
और इसकी प्राइस तकरीबन 1500 मिलियन डॉलर्स थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।